अब चलते हैं भाई काइट शॉपिंग करने। और पहली दुकान पे हम आ गए, ये देखो ये सारी हमने पतंगें ले ली, जितनी भी रंग बिरंगी पतंगें दिख रही ना हमें सब हम डलवा ले रहे हैं पहली शॉप की पतंग। रही दूसरी शॉप आए हैं यहाँ पे हम समीर भाई की, इनके यहाँ हमें देखने को मिली है इतनी बड़ी डोंगा पतंग। तो यहाँ पे डोंगा पतंग हमने खरीद ली और कुछ इस वाली डिज़ाइन की पतंग ले रहे हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है देखो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। आज देखो मैं आया हूँ काइट की शॉपिंग करने और यहाँ पे पहली दुकान में हम आए लक्की भाई के पास, लक्की मिर्जा के नाम से इनकी भाई की दुकान है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ पतंगें दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमें भी कुछ पतंगें चूज करनी है, ये पतंगें हमने कुछ चूज भी कर ली है। तो अभी आपको दिखाते हैं एक एक करके सारी पतंगें कौन कौन से हम ले रहे हैं। ये देखो याली पतंग भी, याली भी ली है। नंबर भी इंसान मांगता है आपसे। हाँ हाँ, नंबर आपको इस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नंबर मांगता हुआ है। ये देखिए, ये देखो ये रही लकी में जगह। नंबर मेरा ये है, ये नंबर है लकी भाई को। पतंग देखो काफ़ी शानदार, तो पतंगे कुछ निकलवाते हैं इसमें से आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया पतंग है देखो, सिर्फ 14 रुपये में, 14 रुपये में पतंग मिल रही है भाई। दोनों अजंता है ना? नहीं, अच्छा एक खटी माई। हाँ, कलर में कभी भी अजंता नहीं आएगा भाई। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, एक कलर में खटीमा आएगा और वो ब्लैक वाला अजंता आएगा। हाँ जी, हमेशा याद रखिए, कलर में हमेशा आपको अजंता भी मिलेगा, ब्लैक ब्लू और उसमें खटीमा। अच्छा अच्छा, दो कलर, तीन कलर आते हैं। अब पहली शॉप हमने कवर कर ली जिसमें से हमने ये सारी पतंगें ली थी। देखो ये पौनी ले ली है मैंने, और पौनी इसलिए लिए क्योंकि मुझे काफ़ी कम रेट में भाई ये मिल रही है, मात्र 14 रुपये की पौनी ले ली मैंने यहाँ से। सब अजंता पेपर और एक दो पतंगें खटीमा में भी हैं, तो वो भी हमने डलवा लिए। तो यहाँ से तो हम ये सारी पतंगें लेकर जा रहे हैं और प्रॉपर एक काइट स्टेस की वीडियो आने वाली है, कल आ जाएगी क्योंकि परसों तो 15 अगस्त है ना, तो कल वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इनकी दुकान से हमने करीब लिए 50 पतंगें, ये देखो ये सारी रही। तो अभी घर लेकर चलते हैं, पहले चलते हैं सेकंड शॉप में, वो दिखाता हूँ। अब भाई मैं आ गया दूसरी दुकान में, भीड़ देखो जिस भी दुकान में जा रहा हूँ ना, बच्चों की भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब सारी दुकानें ऐसी भरी हुई हैं क्या ही बताऊँ मैं आपको, जगह नहीं मिल रही है दुकान के अंदर आने की। बहुत देर के बाद मैंने कुछ पतंगें निकलवा ली है यहाँ पे, और ये सारी पतंगें रही, इसमें मिक्स पतंगें हैं, ये देखो मंजोली भी है और पौनी भी है। पौनी अब क्या मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ पौनी पतंगों में, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पौनी पतंग नहीं लड़ाते हो छोटे पेजों में, हमें पौनी पतंग लड़ा के दिखाया करो। और इनकी दुकान में ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये देखो, तो ये हमने पढ़वा ली, बाकी मैं आपको दिखा दूँ स्टॉक। तो स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा इनकी दुकान में भरा है पूरा यार। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये पतंग कैसी लग रही है। तो क्या करते हैं, 2-3 चौक इसके और निकाल लेते हैं। ये देखो भाई दिखा रहे हैं जो जो हमने पतंगें ले ली, एक बार आप देख लो। ये देखो ये मंजोली में, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। तो ये तो सब मंजोली होगा, एक पतंग बड़ी वाली हमने निकलवाई है, वो अभी निकालता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बड़ा वाला डोंगा, ये भी हमने निकलवा लिया, इसका हमने पूरा चौक निकलवाया है। ये तो सैंपल के लिए इन्होंने यहाँ पे टांग के रखा था तो मैंने उतार लिया, तो इसका पूरा हमने चौक निकलवाया। काफ़ी मज़ा देगा यार ये जब पतंग उड़ेगी ना, ये बड़ी वाली देखो भाई कितनी बढ़िया पतंग है ये। और अपनी फेवरेट पतंग, मुझे ये वाली पतंग काफ़ी अच्छी लग रही क्योंकि इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा और फरमरमा भी काफ़ी अच्छा मंजोली के हिसाब से। तो ये थी भाई हमारी सेकंड शॉप समीर भाई की, जिनकी मैंने ये सारी पतंगें ले ली हैं जिनकी दुकान से। तो अब चलते हैं थर्ड शॉप पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। अब ये आ गई भाई आज की हमारी तीसरी शॉप, धागा काइट सेंटर। जितनी दुकानें सबको मैं कवर कर रहा हूँ लाइन से, रेती में जितनी दुकानें, और इनके यहाँ भी ये सारी पतंगें छाट ली हैं। तो पहले मैं पतंगें छाट लेना क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता मुझे पतंग छाटने का। हाँ ये देखो ये पतंग थी ना, ये वी वाली, इन भाई से मैंने कहा था कि मेरे लिए रोक लेना, तो इन्होंने यार रोक के रखी थी पतंगें। बाकी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इनके यहाँ ये वाली पतंगों का, तो यहाँ से आप और भी ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिए, और ये कुछ पतंगें हमने और भी चूज करी थी लेकिन इसमें से थोड़ी पतंगें मुझे पसंद नहीं आई, तो लगभग मैं 30-40 पतंगें इनकी दुकान से भी ले जा रहा हूँ। और वो पन्नी वाली भी ले ली है मैंने, एक यार बच्चे लोग मांगते रहते हैं घरों के आसपास तो उनको मैं दे दूँगा ये पतंगें। ये देखो आप कुन्नेदार लिए, मतलब जिस भी दुकान में जा रहा हूँ जितनी उनके पास से कलर कॉम्बिनेशन है सारे मैं निकलवा ले रहा हूँ। इनकी दुकान में देखो ग्रीन था, रेड था, ब्लैक था और पट्टीदार, तो ये सारे मैंने निकलवा लिए। तो इनका अभी हम रेट वेट करते हैं भाई, पेमेंट करते हैं भाई का, दिखाते हैं ये सब दुकान नहीं पूरी भरी भी। ये पतंग इधर दे दो, बांध देना इसे। तो यहाँ पे देखो ये बांध देंगे पतंग अभी आपको। और हाँ भाई सद्दी मैंने कवर नहीं करी थी पिछली 2 दुकानों में, इसमें मैं कवर कर दे रहा हूँ। देखो टून आपको मिल जाएगी, टून की डिमांड काफ़ी है मैदान के पेजों के लिए,
और छतों के लिए अगर आपको चाहिए तो छतों के लिए तो आप देख ही सकते हैं यार, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर आपको। अच्छा यहाँ पे खाली मांझे की चरखी भी, मतलब अगर आप मांझे आप 10-5 रुपये का भी लेने आते तो भाई वो भी दे रहे हैं। ये देखो ये रही, और इसमें से अगर कोई बच्चा 5 या 10 रुपये का मांझा लेने आता है तो भाई ये भी दे देंगे। तो देखो भाई ये दुकान है जहाँ पे आपको 5 या 10 रुपये का भी मांझा मिल जाएगा। अब हम आ गए शॉप नंबर 4 पे, जहाँ पे देखो ये पतंगे मैंने ले ली हैं इनकी दुकान से भी, और ये तो मैंने दुकान अभी 2-3 दिन पहले ही कवर करी थी, तो ये पतंगे का स्टॉक उस समय भी रखा था, इस समय भी रखा है। ये रेड वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है जिसमें घुटाई है ना, और देखो फिर से आप देखेंगे तो मेरा मेन फोकस पौनी पतंगों में रहेगा, पौनी पतंगे मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। और हाँ तिरंगा पतंग अगर नहीं लिया आपने तो आप ले लेना, बाद में वो ख़त्म हो जाती है ये वाली। ये देखो इसमें तिरंगा का कलर कॉम्बिनेशन है, बढ़िया लगती है पतंग यार ये भी। तो ये कुछ निकलवा ली है, और नीचे से आप देखो ये वाली भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और भाई ने मुझे एक मांझा दिखाया, मतलब मुझे नहीं, एक बंदा ख़रीद रहा था यहाँ से मांझा, उसे वो पसंद नहीं आया, उसने तो नहीं लिया लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो कलर। लेकिन दिक्कत ये पांडा मांझा, पांडा मांझा मैं उड़ाता नहीं हूँ, मंजूली पतंग में इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बाहर के बंदे उड़ाते हैं गुजरात वगैरह के। और यहाँ से 1-2 चौक रह गए जो कि मुझे अपनी पतंगों में डालने हैं। यहाँ पे एक मांगदार देखा था यार, हाँ ये रहा, तो मांगदार वाला रह गया था, ये भी हम डलवा देते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई भाई, बहुत मेन चीज़ रह गई। मेन चीज़ क्या है? टेप। पतंग आपने ले ली, टेपिंग जरूर कर लेना पतंग में, जब भी आप पतंग उड़ाओ कोई सी भी, कितनी अच्छी पतंग हो। मैंने प्रॉपरली टेपिंग की वीडियो बनाई है कि टेपिंग कैसे आप प्रॉपरली कर सकते हो, तो वाली वीडियो जाके देख लेना, और सद्य तो आपको सारी मिल जाएगी। ये देखो 3 इक्का है, और नीचे विक्टर सब मिल जाएंगे। तो इस दुकान से हमने ये सारी पतंगें ली, तो इन पतंगों को भी करवाते हैं अभी पैक, और मेरी स्कूटी में काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया भाई, अभी मैं किसी बंदे को भी नहीं लाता हूँ, देखता हूँ भाई कैसे ये पतंगें घर जाएंगी, घर चलते दिखाते हैं आपको। अब घर हम आ गए, लेकिन जो मेरी फेवरेट पतंग है ना आज की, ये यार ये कलर तो आपको पता है हल्के कलर का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, और कलर ही इतना शानदार है इस पतंग का कि हमने ये पतंगें ले ली, और सबसे बड़ी पतंग मुझे यही लग रही है, अभी मैं यही देख रहा था। फिनिशिंग इतनी अच्छी है पतंग की ना इसकी, 14 रुपये के हिसाब से बहुत बढ़िया पतंग है। देखो नीचे तक रखी है सारी पतंगें। और भाई आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है 15 अगस्त के लिए, मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या क्या शॉपिंग कर ली है। और देखो ये मांझे वांझे रहे मेरे, बहुत काल मचा देंगे सबकी पतंग काट देंगे, क्या 8400 भी ले लिया, 8400 से भी एकदम काट देंगे सबकी पतंग, मज़ा आएगा, प्रॉपर वीडियो आएगी भाई 15 अगस्त की। कौन कौन एक्साइटेड है 15 अगस्त के लिए मुझे कमेंट करके बताना, कुछ मांझे यहाँ पर भी रखें और एक आध मांझे और जाके मैं ले लूँगा, क्योंकि जब भी मैं दुकान में जाता हूँ कोई ना कोई मांझे मुझे पसंद आ ही जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारी पतंगें रही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।